सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 8वां, ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 8। विविध प्रश्नमाला के हमने 22 क्वेश्चन कर लिए, आज करते हैं इसका 23वां क्वेश्चन। तो चलिए, विविध प्रश्नमाला 8, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। आगे बात समझ, 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, क्लियर। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। आगे बात समझ, तो आंसर देखिए, ये मान लीजिए सतह है, यानी कि ये जल है। आगे बात समझ, जल की सतह है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक जहाज, जहाज का डेक जो ये पानी की सतह है उससे कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। पानी की सतह से कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। ये मान लीजिए डेक ए बी, पानी की सतह से कितने मीटर, 10 मीटर ऊंचा है। आगे बात समझ, क्लियर है। अब देखिए, ये समुंदर का तल है, ये समुंदर का तल है, और जैसे ही समुंदर का तल खत्म होता है वहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, और वहीं पे क्या है, पहाड़ी है। तो क्या कह रहा है, सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यानी कि यहाँ पर खड़ा है डेक के ऊपर बिंदु ए। आगे बात समझ, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये यहाँ पर आपकी पहाड़ी है, आगे बात समझ, ये क्या है, पहाड़ी है, इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, अब देखिए कहाँ पे खड़ा है व्यक्ति, बिंदु ए पे खड़ा है, तो यहाँ से देखेंगे हम पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा बनाएंगे, तो इस बिंदु से ये पहाड़ी के शिखर का क्या बनेगा, यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण कितना देर का है, 60 डिग्री। आगे बात समझ, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का उन्नयन, पहाड़ी का आधार कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहीं से देख रहा है व्यक्ति, यहीं से देख रहा है, तो यहाँ से अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना बन गया आपका, 30 डिग्री। आगे बात समझ, अब पूछा क्या है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये जहाज है, और यहाँ पे ये जहाज के ऊपर क्या है, 10 मीटर ऊपर ये डेक है, यहाँ से व्यक्ति देख रहा है, यानी जहाज से दूरी, यानी कि ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी। ये वाली दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये दूरी चाहे आप ये दूरी ज्ञात कर लो, दोनों क्या है, सेम ही रहेगी। अगली बात समझ, तो ए बी सी डी, इसको बिंदु दे दीजिए ई,
आगे बात सुन। तो देखिए, तो यहां से अब देखिए एक चीज ये भी देख ली, ये क्या 10 मीटर है, तो ये भी क्या होगा 10 मीटर। आगे बात, तो माना जहाज से पहाड़ी की दूरी बीडी चाहे ए की बात है, बराबर क्या मान लेते हैं एक्स। आगे बात समझ, क्या मान लेते हैं एक्स मीटर में ले लीजिए। आगे बात समझ, यानी कि बीडी कहो चाहे ए कहो, एक ही बात है, क्योंकि बीडी और ए के आपस में बराबर है, तो एक्स मीटर, ये एक्स होगी तो ये भी क्या होगी एक्स मीटर। आगे बात सुन, अब देखिए, माना सी ई बराबर क्या मान लीजिए एच, सी से ई दूरी को क्या मान लीजिए एच। आगे बात सुन, अतः पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी डी से सी, पहाड़ी की ऊंचाई सी डी बराबर क्या हो जाएगी सी ई प्लस ई डी, यानी कि सी डी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच प्लस 10। आगे बात सुन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एच का मान आपको निकालना पड़ेगा, एच का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी, और एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगी जहाज से पहाड़ी की दूरी आ जाएगी। आगे बात सुनो, तो अब जो भी काम करेंगे सारा चित्रानुसार करेंगे। आगे बात सुन, तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, ये वाला ए ई डी, कौन सा ए ई डी। अब देखिए यहाँ पर भी ये एंगल क्या 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये एंगल क्या है 90 डिग्री। आगे बात सुन, नाउ चित्रानुसार समकोण त्रिभुज कौन सा लें AED में। देखिए ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार। आगे बात समझ, तो ED बट्टा AE बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, ED बटा AE बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। अब ED तो हमें पता है कितनी है 10 मीटर है, तो ED की वैल्यू रख दी 10, और AE जो कि हमें ज्ञात करनी है क्या है x मान रखा है, बराबर tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आगे बात समझ, तो यहाँ से 10 बट्टा x बराबर क्या आ जाएगा 1/√3, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 10√3। आगे बात समझ, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 10√3। आगे बात, यानी कि जो जहाज की पहाड़ी से दूरी है वो आपके पास में आ गई कितनी 10√3 मीटर। आगे बात सुन, अब देखिए नाउ अब कौन सा लेंगे समकोण त्रिभुज AEC में CE बट्टा AE बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो CE क्या है आपकी H हमें ज्ञात करनी है, बट्टा AE क्या है X बराबर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो यहाँ से H बट्टा X बराबर क्या आ जाएगा √3। आगे बात सुन, तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा x√3, x बराबर क्या आ जाएगा x√3। अब क्या करेंगे, अब हम X की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से X का मान समीकरण 2 में रखने पर H बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, X की वैल्यू क्या है 10√3 × √3 पहले से गुणा में, तो H बराबर क्या आ जाएगा 10 × 3, एच बराबर क्या आ जाएगा 30 मीटर। आगे बात सुन, एच बराबर क्या आ जाएगा 30 मीटर। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, क्लियर है,
तो अब क्या लिखोगे? समीकरण एक से जहाज की पहाड़ी से दूरी x बराबर क्या आ जाएगी? 10√3 मीटर। आगे बात समझ में क्लियर है? अब पहाड़ी की ऊंचाई तथा पहाड़ी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? h प्लस 10 है। पहाड़ी की ऊंचाई बराबर क्या है? h प्लस 10। तो बराबर h की वैल्यू यहां से रख देंगे, 30 प्लस 10 बराबर कितना आ गया? 40 मीटर। तो एक आंसर ये हो गया आपका, जो कि क्या है? पहाड़ी से दूरी किसकी? जहाज की। और एक आंसर आपका ये हो गया, जो कि क्या है? पहाड़ी की ऊंचाई है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। और जहाज की पहाड़ी से दूरी कितनी आ जाएगी? 10√3 मीटर। आगे बात समझ में? चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से, तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है। इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। आगे बात समझ में? और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। आगे बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन। तो आंसर देखिए, ये आपकी जमीन है, ये मान लीजिए जमीन के ऊपर पेड़ है। ये क्या है? जमीन के ऊपर एक सीधा पेड़ खड़ा है। आगे बात समझ दे दीजिए, ए बी। आगे बात, पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। आगे बात सुन। अब देखिए, हवा आई, आगे बात, तेज हवा आई जिससे ये पेड़ क्या हो गया? टूट गया। मान लीजिए ये पेड़ यहाँ से टूटा, कहाँ से? बिंदु सी से टूटा, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये गिर के क्या आ गया? नीचे आ गया। क्या गया? नीचे आ गया। इसको नाम दे दीजिए ए डैश। इसको नाम क्या दे दिया हमने? ए डैश। आगे बात सुन। अब देखिए, मान लेते हैं ये जो ऊपर भाग है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? h है। ये ऊपर वाला जो भाग है इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। तो ये यहाँ से टूटा और ये ऊपर वाला भाग ही तो गिर के क्या आया? नीचे आया। तो ये जो दूरी है यानी पेड़ का जो ऊपर वाला भाग बचा है ये भी क्या होगा? h ही होगा, क्योंकि पेड़ यहाँ से सी से टूटा और टूट के सीधा ऐसे नीचे गिर गया। मान लीजिए ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ से ये टूट के नीचे गिर गया। आगे बात,
तो ये ऊपर वाला भाग ये क्या है, ये वाली तो है जो नीचे गिरा यहाँ पे, तो ये एच है, तो ये भी क्या होगा, एच है। आगे बात सुन, अब ये टोटल कितना है, 12 मीटर है, तो ऊपर वाला ऊपर का भाग जो एच है वो टूट के नीचे गिर गया, तो यहाँ पे ये बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, 12 माइनस एच, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 12 माइनस एच। आगे बात, तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ये चीज़ ज्ञात करनी है कि वो जमीन से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी कि आपको ये वाली हाइट ज्ञात करनी है, यानी कि जमीन से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी कि यहाँ तक, यानी कि आपको बी सी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आगे बात समझ क्लियर है। अब और भी देर का है कि उसका सिर्फ जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि सी से टूटा और ये ए गिर के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ जमीन के साथ में क्या एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे बात समझ, तो ये क्या हो गया, 90, ये क्या हो गया, 90। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको अब आपको ज्ञात करनी है बी सी, ये दूरी कितनी है। आगे ना बात समझ, तो बी सी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो चीज़ देख लीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पेड़, तो पहले तो ये देख ले, दिया है, दिया है पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, 12 मीटर। आगे बात समझ में, ए बी बराबर क्या, 12 मीटर। माना पेड़ बिंदु सी से टूटता है, बिंदु सी से टूटता है। आगे बात समझ, माना ए सी बराबर क्या है, एच मीटर। बिंदु C से टूटता है, तो C से ऊपर वाली ये दूरी AC, ये हमने क्या मान ली, H मीटर। अतः सी ए डैश ये भी बराबर क्या होगी, H मीटर। सी ए डैश भी बराबर क्या होगी, H मीटर। आगे बात सुन, तथा बी सी बराबर क्या होगी, 12 माइनस एच मीटर। बी सी बराबर क्या हो जाएगी, 12 माइनस एच मीटर। आगे बात सुन, अब देखिए, अब बाकी जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम चित्रानुसार करेंगे। आगे बात में, तो नाउ चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ये ले लीजिए ए डैश बी सी, ए डैश बी सी में। आगे बात, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, करण, तो लंब बटा करण। आगे बात सुन, तो बी सी बट्टा ए डैश सी, बी सी बट्टा ए डैश सी, तो लंब बटा करण क्या होता है, लंब बटा करण होता है साइन थीटा। अब बी सी क्या है आपके पास में, 12 माइनस एच बट्टा ए डैश सी आपके पास में क्या है, एच। आगे पास में बराबर साइन 60 डिग्री, तो 12 माइनस एच बट्टा एच बराबर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3 बटा 2। आगे बात में, अब यहाँ से आप क्या निकाल लो, h की वैल्यू निकाल लो। आगे बात में, तो पक्षांतरण कर दीजिए, तो 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 माइनस एच बराबर इधर रूट 3 एच, तो 12 दुआ 24 माइनस 2 एच बराबर रूट 3 एच। आगे बात में क्लियर है, तो अब यहाँ से 2 एच को इधर भेज दीजिए, तो 2 एच को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, रूट 3 एच प्लस 2 एच बराबर 24, तो यहाँ से h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, रूट 3 प्लस 2 बराबर 24। अब रूट 3 की वैल्यू आपको पर्सन में भी कह रखा है कि रूट 3 आपको क्या रखना है, 1.732। आगे बात सुन, तो यहाँ से h 1.732 प्लस 2 बराबर 24, तो यहाँ से h और 2 प्लस है ये कितना हो जाएगा, 3.732 बराबर 24। अब यहाँ से h बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, 24 बट्टा 3.732, 24 बट्टा 3.732। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, तो पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो लगे, 24,000 में आपको भाग देना है 3732 का। आगे बात समझ में, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, 6.4308। जब इसमें 24,000 में हम 3732 का भाग देंगे तो लगभग इतना आएगा, 6.4308। आगे बात सुन, अब
तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा? अते जमीन से पेड़ अते जमीन से पेड़ कितना 12 - h जमीन से पेड़ 12 - h मीटर की ऊंचाई से टूटता है। देयर इंप्लाइज 12 - h यानी कि बराबर 12 - 6.4308 तो 12 में से ये घटाइए तो 12.0000 कितना घटाना है 6.4308 तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 यहाँ पे 9 बचेगा 9 यहाँ पे 9 बचेगा 6 यहाँ पे 9 बचेगा 5 और यहाँ पे 11 में से घटाएंगे 6 5 11 तो कितना आ जाएगा लगभग आपके पास में आ जाएगा 5.5692 मीटर। तो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा पेड़ 5.5692 मीटर। आगे बात सुन तो इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है? तो देख लीजिए वापस बी ए ए बी पेड़ है, तेज हवा आई और बिंदु सी से टूट गया तो ऊपर वाला भाग टूट के क्या आ गया नीचे आ गया तो ऊपर वाला भाग ये हमने मान लिया कितना एच है तो ये भी कितना होगा एच होगा, बाकी कितना बचा 12 - h। तो पूछ रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा यानी कि 12 - h आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले हम एच ज्ञात करेंगे फिर एच की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 12 - h तो आपके पास में कितना आ जाएगा कि जमीन से कितना ऊंचाई टूटा 5.5692 मीटर। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।